बच्चों आज की क्लास में 8.4 का आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसमें से जब एक ही क्वेश्चन पूछते थे पूरा वेटेज था आपका लास्ट ईयर तक, तो एक क्वेश्चन जरूर आता था फिफ्थ में से, 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा हुआ मिलता था। लेकिन अब क्योंकि वेटेज कम हो गया है, किसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से, इसलिए जो है हो सकता है कि अब इसमें 2 क्वेश्चन आ जाए मे बी, नहीं तो एक तो 100% पेपर में आना ही आना है। और सबसे अच्छी बात यह कि फिफ्थ क्वेश्चन का पहला जो सवाल है वही मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अक्सर 10 साल का रिकॉर्ड देखा गया है, 10 साल के एग्जाम देखे गए हैं, उसमें ज्यादातर जो है इसी तरह का क्वेश्चन पेपर में आया है। हालांकि इसी तरह क्वेश्चन आया और भी शक्लें बनी जा सकती है, मैं अभी आपको लास्ट में जो है वो आपको क्वेश्चन दूंगा इस टाइप के, वो आप नोट कर लेगा एज ए होमवर्क। फिलहाल तो मैंने क्वेश्चन उठा लिया आपकी किताब से ही, फिफ्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट उठाया है, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। जबकि ये क्वेश्चन आपका मॉडिफाइड क्वेश्चन है, इससे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो कुछ इस तरह दिया है, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा, इस तरह का सवाल दिया हुआ है। इसमें कहने का मतलब ये कि ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट ये दिया हुआ है, अगर इधर स्क्वायर है तो इधर रूट नहीं होगा, और स्क्वायर उठाकर उधर ले जाते तो रूट बन जाता है, यहाँ का स्क्वायर गायब हो जाएगा। या तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है या आ सकता है पेपर में, ये मैं आपको समझाता हूँ या आप अपने आप कर लेंगे। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ घर के लिए, ठीक है। मैं उसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मेरे पास है वो मैं उठा रहा हूँ, उसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्स्ट्रा पार्ट वो ये दिया उठा लिया मैंने। क्वेश्चन को सही से देख लीजिए इसकी, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है राइट में भी आ सकता है, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में भी पेपर में आ सकता है, ये हिस्सा इधर भी आ सकता है और ये हिस्सा इधर भी आ सकता है। ये वाला जो कोड है पार्ट है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसी को आपको सॉल्व करना है, चाहे लेफ्ट में है चाहे फिर राइट में, चाहे बिना रूट का हो या रूट का हो, चाहे यही कंडीशन है, ये लेना इसी को ही आपको। तो मैंने इसीलिए राइट हैंड साइड लिखकर ये वाला पार्ट ले लिया, रूट में 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ले लिया अपॉन में, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं और देखिए मैं आपको आंसर लाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपने रूट में उठा लिया और आपने देखा ये सिंगल टर्म है, साइन कॉस में ही टूटा हुआ है, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है और किसी और रेशियो में सवाल दिए तो उसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी साइन कॉस में चेंज है, कॉस में चेंज है ऑलरेडी, तो अब वो तो कर ही नहीं सकते। तो हमें पता है जब नीचे डबल टर्म होता है तो क्या कर सकते हैं, उसका रैशनलाइजिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसको रैशनलाइज कर सकते हैं। आपके पास रेशनलाइज क्या करते हैं, तो डिनोमिनेटर का करते हैं, 9 10th स्टैंडर्ड में डिनोमिनेटर का होता है, लेकिन जब 11 12th में जाएंगे तो वो न्यूमरेटर का भी आप रेशनलाइज सीखेंगे अगर मैथ्स आपके पास होगी। अदरवाइज यहाँ पे हम डिनोमिनेटर रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज क्या करते हैं डबल टर्म का, या दो टर्म है 1 प्लस कॉस थीटा एक टर्म हो गया, ये इनके बीच में जो निशान होता है उसको 9 साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा करना ही रेशनलाइज कहलाता है। अगर रूट लगा तो रूट के अंदर कर देंगे, रूट नहीं लगा तो बिना रूट के कर देंगे, फर्स्ट फ्लोर अलग क्वेश्चन होता और तो फिर यहाँ पे रूट नहीं लगता, काम यही करते, काम यही करते। अब देखिए लेकिन रूट लगा इसलिए मैंने रूट लगा दिया तो क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए ये सवाल आपको दिया हुआ है, आपको पता है यहाँ पर आप जब रेशनलाइज कर रहा था ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई होती है नीचे के नीचे मल्टीप्लाई होती है, या 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दोनों एक जैसे हैं, जब एक जैसे होंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, दो पावर होल स्क्वायर लगा देंगे, लेकिन नीचे एक प्लस में और एक माइनस में, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, नीचे ऊपर होल स्क्वायर नीचे फॉर्मूला, ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, कॉस थीटा यानी बी का स्क्वायर यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, माइनस लगा देते हैं फॉर्मूले का, ठीक है। तो आपने देख लिया इस तरह से, ऊपर अभी होल स्क्वायर ऐसे लेके चलेंगे लास्ट में, क्योंकि हमें रूट को कैंसिल आउट करना है, यहाँ पे आंसर में रूट नहीं है, इसलिए मुझे रूट को कैंसिल आउट करना है, जब तक नहीं सकता जब तक के अंदर वाले का होल स्क्वायर ना जाए, स्क्वायर से रूट कट जाता है कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि तुमने पढ़ा है कि रूट का मतलब ही जो होता है वो 1 अपॉन में 2 होता है, और अगर यहाँ स्क्वायर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में कट नहीं जाएगा यहाँ पर, क्यों बच्चों, अगर कुछ इस तरह से हो तो ये कट जाएगा नहीं कट जाएगा ये है, तो हमें अंदर होल स्क्वायर बनाना ताकि स्क्वायर से रूट को काट सके, उसके लिए ऊपर तो होल स्क्वायर आ गया नीचे नहीं आया, नीचे मैं लाऊंगा, ठीक है। कैसे लाते हैं, आपने इसको होल स्क्वायर बोला 1 बन जा 1 कॉस स्क्वायर थीटा का होल कॉस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, ये जो अभी चल रहा है ऐसे ही चलाएंगे, होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। अब आपके पास फार्मूला है
वन माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी फॉर्मूला आपके पास है तो आपने इसके बदले साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब यहां भी स्क्वायर दोनों जगह स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर होल स्क्वायर बाहर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? होल स्क्वायर बाहर ले लेंगे। यहां भी स्क्वायर यहां भी, तो इसका पूरा होल स्क्वायर बाहर आ जाएगी। सिचुएशन बन गई, बन गई रूट ए की पावर टू, टू से स्क्वायर रूट कट गया, टू से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये बचेगा। और अगर से यहाँ होल स्क्वायर नहीं करता रूट तो यहाँ यालिक सिचुएशन रहती है, स्क्वायर चला रहता, फिर आखिरी में आकर देना यह आंसर आता है स्क्वायर वाला। अभी दिखलाऊंगा मैं आपको। अब आपने स्क्वायर रूट काटा, आपके पास ये बचा, ये पोर्शन बचा, दिख रहा है आपको ये पोर्शन, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हमेशा 100% ये दिया और ये पूछेगा, कभी कभी ये भी पूछ सकता है, लेकिन ये पार्ट वही रहेगा, ये नहीं चेंज होगा, ये वाला हिस्सा हमेशा वही रहेगा, ये चेंज हो सकता है, इसके बदले ये भी पूछ सकता है। अगर ये पूछे ये भी छोड़ दो, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा पूछता है तो आपको यही आंसर छोड़ना पड़ेगा, और अगर पूछता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा तो आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब क्या पूछा है? कोसेक माइनस कॉट थीटा, यही पूछा है ना, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पूछा है, इसमें इससे आगे हम चलेंगे। और अगर इसके बदले लिखा होता वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो यहीं पे हम छोड़ देते हैं आंसर। अब कैसे चलेंगे? एक्चुअली क्या है कि अगर मान लो फर्स्ट करो यहां पर ये लिखा होता, कहां पर, यहां पे लिखा होता वन अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो तुम इसका क्या लेते, एलसीएम लेते, नीचे वाले एक जैसे एक बार लिखते और ऊपर वाला जू का तू लिख लेते, ये लिखते ना। अब क्या उल्टा भी काम कर सकते, नहीं कर सकते, ये हमने उल्टा काम कर लिया, यानी इसका मतलब है साइन जरूर वन के अपॉन में भी रहा होगा और साइन जरूर कॉस के अपॉन में भी रहा होगा, ये माइनस जो बीच में लगा दिया, ये दिया होता था ये करते थे अब तक के नाइन तक के, लेकिन अब टेन में आपने क्या करा, अपनी सहूलियत अपने कन्वेंस के हिसाब से जो डिनोमिनेटर में लिखा था दोनों के साथ अलग अलग लिख दिया, यानी एलसीएम तोड़ दिया, जो एलसीएम लेते थे वैसे तोड़ के लिख दिया, वन के साथ भी साइन कॉस के साथ भी साइन। अब आप जानते हैं इसी तरह वन अपॉन में साइन जो होता है कोसेक थीटा होता है, माइनस ये आ जाएगा, कॉस अपॉन में साइन जो होता है वो कॉट थीटा होता है। यही आंसर चाहिए था आपको, देखिए देखिए ये आंसर चाहिए था आपको, मिल गया आपको आंसर, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पे देखा कि कोसेक कॉट में क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको रूट में वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा लाना है। ऐसे ही अब एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मेरे पास, वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, यहाँ भी रूट में दिया हुआ है लेकिन यहाँ कॉस नहीं दिया, यहाँ पे साइन साइन दिया हुआ है, कोई बात नहीं करेंगे ऐसे ही, ज्यादा क्वेश्चन उतार लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ करवा रखा, देखिए पार्ट हमें यही बताएंगे साइन कॉस वाला, यहाँ पे कॉस ना देखे साइन दिया, साइन वाला हिस्सा उतार लिया, फिर वही काम करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, नीचे क्या लिखा है वन माइनस साइन थीटा, तो क्या कर देंगे वन माइनस साइन थीटा कर देंगे, वन प्लस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा। अलग इससे पहले मैंने मॉडिफाइड करके क्वेश्चन बनाया था वो भी आंसर आ सकता था, लेकिन मुझे ऊपर रेशनलाइज करना पड़ता, लेकिन वो इलेवंथ क्लास में होगा, टेंथ में नहीं दिया इसलिए मैंने आंसर चेंज कर दिया ये वाला कर, ठीक है बच्चों। अब आपके एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ आएगा, आप यहां क्या करेंगे सेक थीटा प्लस में टेन थीटा लिखेंगे, सेक थीटा और टेन थीटा आपको लाना है, इसकी वजह से लाना है तो आपको डिनोमिनेटर का निशान बदलना पड़ेगा, ये माइनस है तो इसे प्लस करके ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे यहां करा था, फिर आपको पता है दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के होते हैं लेकिन एक जैसे निशान होते होल स्क्वायर लगा देंगे इसका, फिर नीचे एक बार माइनस में प्लस में स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ये ऐसे ही चलेगा क्योंकि इसका बाप पुलिस में, तो इसका मतलब क्या हो गया इसको नहीं छेड़ना, इट्स मीन्स ये कहने का मतलब है ये होल स्क्वायर हमें बनाने, जैसे वहां बताया था मैंने आपको ऐसे यहाँ होल स्क्वायर बना, यहाँ नहीं बना, यहाँ बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, हमें कैसे पता चलेगा ये होल स्क्वायर में है या नहीं है, ऐसे पता चलेगा कि अगर पूरे में पावर लगी तो होल स्क्वायर में और यहाँ बीच में प्लस माइनस है और अलग से पावर लगी तो होल स्क्वायर में नहीं है। उसे करने के लिए हमारे पास आइडेंटिटी का फॉर्मूला है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब ये सिंगल टर्म हो गया, अब हमें जरूरत नहीं प्लस के होल स्क्वायर के किसी चीज की, सिंगल टर्म हो गया, यहाँ स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर बाहर ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है थीटा का जो स्क्वायर होता है पूरे का स्क्वायर कहलाता है, रेशियो का स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों बातें एक ही है। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो आपने यहां पे देखा इस कॉस स्क्वायर थीटा और वन प्लस साइन स्क्वायर के होल स्क्वायर की जगह हमने क्या कर दिया, इनका स्क्वायर बिल्कुल होल पावर ले ली,
और स्क्वायर से आप रूट कट जाता है तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसमें भी काम करेंगे, वन के अपॉन में कॉस लिख देंगे, साइन के अपॉन में कॉस लिख देंगे, वन अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। इस तरह से आपके पास आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, देख लीजिए आंसर आ गया। और इसके बदले वो ये भी दे सकता था, तो यहां पर छोड़ना पड़ता है आपको। मैंने बताया कि यहां तक भी पूछ सकता है पेपर में, तो आपको यहां तक छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर पूछे sec थीटा प्लस tan थीटा तो दो स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरह से आपके पास आठ क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह से सोलह ही बनते हैं, लेकिन मैं आठ बता रहा हूं आपको। अभी इस क्वेश्चन के बाद जब उतार लेंगे तो मैं आपको आठ क्वेश्चन और लिखवा दूंगा साथ। इसी तरह से वो आपको घर से करके लाने, वो होमवर्क है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। अगर वो इस एक्सरसाइज से एग्जामिनर क्वेश्चन रखता है तो पहले इसको रखने की कोशिश करता है, जब उसे लगता नहीं इसके अलावा दूसरा रखना है तब दूसरे ऑप्शन आते हैं, अदरवाइज नहीं आते। इसलिए क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पूरे पूरे वेटेज बहुत अच्छा है इसका, वेटेज जो है उसका चार मार्क्स है, चार नंबर क्वेश्चन आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझिए और बार बार प्रैक्टिस घर से करके जाइएगा। दो महीने करा दिए, छह में और क्वेश्चन उतार रहा हूँ, वो आपको करने हैं, ठीक है? ओके। आपने 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट अभी कराया था, उसके जैसे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है, यानी आपको 8-in-1 क्वेश्चन, यानी एक आठ 8-to-1 का मतलब है कि आप एक क्वेश्चन करेंगे आप आठ खुद कर लेंगे अपने आप ही। जैसे कि मैंने आपको दो पार्ट इसके कराए थे, बाकी आपके सामने लिख दिए हैं, इनको आप खुद ट्राई करेंगे, ये आपका होमवर्क है। कौन कौन से, ये आपकी आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, इसके जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 कर दिए, करना कुछ नहीं है। जो स्क्वायर इधर आके रूट बन गया है, इसी तरह sec और cot की जगह cosec और cot की जगह sec और tan आ गया। जब cosec cot को sec और tan में चेंज करेंगे तो यहाँ भी हमें cos की जगह क्या लिखना पड़ेगा, sin लिखना पड़ेगा। इस तरह एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका, ये स्क्वायर इधर आके रूट बना देंगे तो एक क्वेश्चन और तैयार हो जाता है आपका। अब यहाँ पे माइनस की जगह प्लस प्लस लगा देंगे तो एक सवाल आपके और तैयार हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, ये इससे ऊपर ये नीचे हो जाता है, तो ये ऊपर नीचे कर दिए। इस तरह से कितने सवाल बन गए आपके ये, लेकिन करने का मेथड वही है जो मैंने अभी आपसे पहले कराया है। तो इस सवाल को भी आपको घर से ट्राई करना है, इंशाल्लाह एक नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये रखा हुआ मिलेगा 100%। दैट्स ऑल।